गुड मॉर्निंग एलेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे देखो मैं इस पूरी पीरियोडिक टेबल को आपको दिखा रही हूँ और इसकी वन बाय वन स्टडी करवाऊँगी सबसे पहले देखो ये पीरियोडिक टेबल को इस तरह से डिवाइड किया है सेवन पीरियड हैं और एटीन ग्रुप हैं ये देख रहे हो आप एटीन ग्रुप हैं ठीक है अब एटीन ग्रुप में ये जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं ठीक जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो मैंने आपको पहले बताई है कि इसकी पोजीशन अभी जस्टिफाई नहीं हुई है इसको यहाँ पीरियोडिक टेबल में बीच में रखा जाता है ठीक है सबसे पहले हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रेंशियम और सेकेंड जो आपका ग्रुप है उसमें आता है बेरेलीम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोनशियम बेरियम एंड रेडियम ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या क्या खास बात है वो मैं आपको समझा रही हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट दीज एलिमेंट्स इन दीज एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एन एस एनर्जी शेल यानी एस एन एस एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है मैक्सिमम जो कैपेसिटी है इस ग्रुप की वो दो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकती है एस ऑर्बिटल में यहाँ वन और यहाँ टू मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन समझाऊँगी तब बताऊँगी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एन एस वन एंड एन एस टू जो आप बोलते थे ना टेंथ क्लास में के एल एम वैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इलेवंथ क्लास में नहीं है यहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है द एलिमेंट्स हैविंग एन एस वन कॉन्फिग्रेशन आर कॉल्ड एल्केलाई मेटल्स यानी फर्स्ट ग्रुप को हम एल्केलाई मेटल्स बोलते हैं और सेकेंड ग्रुप को एल्केलाई अर्थ मेटल्स बोलते हैं अब इन जो मेटल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देखो ये सॉफ्ट मेटल है इतनी सॉफ्ट मेटल है कि इन्हें नाइफ से भी कट कर सकते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत स्लो वो बहुत लो होता है ये इनकी आइनेशन एनर्जी भी बहुत कम होती है ये हाईली पॉजिटिव होते हैं बेरेलीम और मैग्नीशियम को छोड़ दो बाक़ी एलिमेंट्स कलर शो करते हैं इस ग्रुप के दे है ग्रेट एफिनिटी फॉर और ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करते हैं इजीली रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड्स बनाते हैं ये है एस ब्लॉक की आपकी ख़ास बात हालांकि अभी याद नहीं हो तो कोई बात नहीं एलिमेंट्स मैं एस ब्लॉक जब पढ़ाएंगे तब अपने आप एलिमेंट्स याद हो जाएंगे ठीक है अब आपका सेकंड जो ग्रुप ब्लॉक है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है ये थर्टीन ग्रुप से एटीन ग्रुप तक स्टार्ट होता है थर्टीन से स्टार्ट होगा एटीन पे एंड होगा और एटीन ग्रुप को अगर आप देखो तो सारी नोबल गेसेज है हीलियम न्योन ऑर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडोन ये सब आपकी नोबल गेसेज है इसमें आपको ये एलिमेंट्स जो दिख रहे हैं वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं मेटल्स भी और नॉन मेटल्स के भी ठीक है आई बात समझ में अब आप इस ग्रुप की जो खास बातें हैं वो सुनना मैं आपको बताती हूँ इन द एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन पी शब शेल यह पी ब्लॉक इसलिए बोला है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में फिल होता है इसलिए इसको पी ब्लॉक कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एन एस टू एन पी वन से एक से लेकर कर छः तक इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ग्रुप है, है तेरह से लेकर अठारह तक थर्टीन टू एटीन ग्रुप तक ये ग्रुप है मोस्ट ऑफ दैम आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है टेंथ क्लास में पढ़ चुके हो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई भी मेम्बर इसका कलर शो नहीं करता है ठीक है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन डिक्रीज होती है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ये सारे अप टू डाउन नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं लेफ़्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होते हैं ठीक है इसीलिए फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये नॉन मेटल्स है तो ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ ध्यान से देख लेना यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस यानी ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं लेकिन यहाँ जो ये रेड कलर में एलिमेंट्स है वो दोनों तरह के करेक्टरिस्टिक शो करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के इसलिए इनको मेटेलॉइड्स बोला जाता है तो ये हैं है, आपके आई बात समझ में आगे देखो नेक्स्ट एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो आपके देखो फर्स्ट और सेकंड तो एस ब्लॉक हो गया ठीक है थर्टीन टू एटीन पी ब्लॉक हो गया अभी आपका बीच वाला डी ब्लॉक है इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि एस और पी ब्लॉक को ज्वाइन करता है इसलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट के ग्रुप है थ्री टू ट्वेल्व यानी तीसरे ग्रुप से बारहवें ग्रुप तक का जो एलिमेंट्स आते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और पीरियड देखें तो फोर्थ पीरियड से सेवन्थ पीरियड तक के अब यहाँ पे इस सीरीज़ को फोर्थ पीरियड वाली सीरीज़ को बोलते थ्री डी सीरीज़ इसको बोलते फोर डी सीरीज़ यहाँ फाइव डी सीरीज़ ये सिक्स डी सीरीज़ है फोर्थ ऑर्बिटल लेकिन सीरीज़ का नाम है थ्री डी ये वाली सीरीज़ जो है थ्री डी सीरीज़ ये वाली सीरीज़ है फोर सीरीज़ ये फाइव डी सीरीज़ ये सिक्स सीरीज़ ठीक है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक और उसके नीचे ये, वो, ये आपके बहुत सारे ये ट्रियम जर्कोनियम, ठीक है तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स है इनकी क्या खास बात है वो सुनना इनका इलेक्ट्रॉनिक ये इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इस डी ऑर्बिटल में फिल होता है इसलिए इसे डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस टू होता है ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स ये मेटल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शो करते हैं तो ये मैंने समझा दिया है थर्ड थ्री डी सीरीज फोर डी सीरीज़ ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है सारा कुछ आपको बता दिया है इनका ये जब मेटल्स है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा ठीक है ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड केटलिस्ट है और ये अलॉयस फॉर्मेशन भी करते हैं तो ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स हुआ अब बात आत आती है नेक्स्ट एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कहाँ से कहाँ चालू हो रहे हैं देखो बेटा लेंथेनम एटोमिक नंबर फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन के बाद फिफ्टी एट से लेके और आपके ये सेवेंटी वन तक ये सारे लेंथेनोइड्स हैं जो इस टेबल में ना हो के इससे बाहर है ऐसे एक्टिनोइड 89 के बाद में 90 से लेके और आप देख रहे हो 103 तक ये सारे एक्टिनोइड्स तो यहाँ डी ब्लॉक के को यहाँ से निकाल के डी ब्लॉक के ये एलिमेंट्स जिसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन एफ़ ऑर्बिटल में फिल होते हैं इसलिए इन्हें एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है इनमें ये जो एक्टिनोइड्स है वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और यहाँ लेंथेनोइडस में देखें तो सिर्फ प्रोमीथियम एक्टिनोइड है वो रेडियो एक्टिव है बाकी कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे और ये भी मेटल्स हैं और ये फोर एफ़ सीरीज़ है यहाँ आने वाला इलेक्ट्रॉन फोर एफ़ में फिल होता है यहाँ आने वाला इलेक्ट्रॉन फाइव एफ़ में फिल होता है बाकी इसके मैंने नोट सेंड कर दिए हैं आपको